I'll show these stupid birds. Aha! Idea! My new adventure awaits! Time to teach Mr. Grumpy Pants a lesson! Yeah, nice little boy. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं फिर से स्कैरी स्ट्रेंजर 3D के साथ। तो इसका एक नया चैप्टर ऐड हो चुका है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा स्ट्रेंजर अंकल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी वो पता नहीं क्या ज़ॉम्बी सा फेस कर लिया है उसने अपना, पता नहीं क्यों। बट इसी के साथ दो नए लेवल ऐड हुए हैं इसमें। तो जैसे मुझे पता चला, मैंने कहा भाई चलो इसे खेलना तो बनता है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। ओहो ग्रुम्पी अंकल स्टाइल मारा, बट तू हरा कैसे हो गया भाई? ओके शक्ल देखो। ओहो हो अंकल और मैडम जी भी हैं संग में। ओह ये इस सांड के साथ ही कुछ गड़बड़ करनी होगी पक्का। ओ खींच ली। ओके तो यहाँ पर हमारा स्कैरी स्ट्रेंजर यानी ग्रुम्पी अंकल बहुत ज़्यादा इतरा रहा है। बट ये ग्रीन क्यों हो गया यार इतना है? काई को अंकल जी क्या खा लिया तुमने रात को? पालक ज़्यादा खा लिया यार, पता नहीं क्या है। ये सांड खड़ा है यहाँ पे। ओके फाइंड समथिंग टू अट्रैक्ट द रियल बुल। ओके तो गाइस हमें क्या करना है, हमें अंकल को सांड से पिटवाना है। अभी देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बट यार एक बार इसकी शक्ल देखो, क्या भेस बना रखा है इसने, क्या भेस बना रखा है। एक्चुअली थनोस बना हुआ है पूरा है। ओके तो फिलहाल हमें यहाँ से चलते हैं। एंड अगर आपने बेबी इन येलो की वीडियो नहीं देखी तो यार उसे भी जाकर देख लेना, वो बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे वो गेम प्ले उसका नया वाला, तो यस देख लेना। एंड यहाँ से हमने हथौड़ी उठा लिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ से जाना है उस सामने वाले कबाड़ खाने रूम में है, और उसमें से हमको कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो चलो चलते हैं कबाड़ खाने वाले रूम में। ओके अंकल जी फिलहाल यहाँ पर रेड कलर की चटक ड्रेस पहन के अंदर ही है भाई। इसका भेष, इसके भेष को रेटिंग करो गाइस। जो इसने भेष बना रखा है ना उसको रेटिंग करो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है? मैं अपनी एंड में बताऊंगा जब वीडियो ख़त्म होने को होगी, ठीक है? ओके तो फिलहाल यहाँ पे एक हमने गन टाइप चीज़ उठा ली है जिसका हमें यूज़ होगा, मैं आपको बताऊँगा। अभी नहीं है इसका यूज़, हमें थोड़ी देर में। एंड अभी हमको चाहिए होगा एक रेड कलर का क्लॉथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो सांड होते हैं, बफेलोज होते हैं, वो रेड कलर देख के पता नहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें वो रेड कलर का क्लॉथ चाहिए जो कि हमें अंदर मिलेगा। यस तो फिलहाल अंकल तो आई थिंक बाहर ही घूम रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इस गन को अपने हाथ में रखते, भाई ये दोनों हाथों से कई को पकड़ रखा है। गन नहीं है एक्चुअली, है ये कटर है। हाँ एंड यहाँ पर ये रेड कलर का क्या क्लॉथ है, रहते हैं। ओके ओके बट एक मिनट, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। ओ सीरियसली मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा, ये क्या है भाई? अरे ये तो गलत है यार, मैं निकल ही नहीं पा रहा भाई, मैं हिल ही नहीं पा रहा जगह से। आ गया अरे पकड़ लेगा ये पक्का। अरे ओके गाइस ये निकल ही नहीं पा रहा। वाह मुझे पता था ये तो होना ही था, मैं अटक गया था वहाँ पे, क्या करें। चलो कोई नहीं, दोबारा करेंगे इसको एक बार फिर से। यस एंड स्कैरी रॉबर यार मेरे को खेलने का सही में एक मूड नहीं है फिलहाल, वरना उसके भी कई नए लेवल्स ऐड हुए हैं उसमें, कई सारे हैं जो मैं नहीं खेले हैं आज तक, ठीक है? जैसे वो टीना वाला तो खेल ही लिया हमने, बट बाकी के नहीं खेले। तो ये
यस जब मूड होगा उसे खेलेंगे ज़रूर। वैसे हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, वायर कटर, ये हम वही। ये क्या हो गया? अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, और ये टेढ़ा सा कैसे हो गया? अभी हमको ऐसे खेलना पड़ेगा क्या? वो एक्चुअली ऐसे खेलते हैं, चलो कोई नहीं, ऐसे खेलेंगे गाइस, इस लेवल को ऐसे कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है? तो यहाँ से हमको एक मिनट यार, ग्लव्स देखो, हमको पहन ही लेते हैं ना, ये ग्लव्स कुछ नहीं है बस, इसको हम पहन के रखेंगे तो बढ़िया ही है, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन ही मिलेगा कुछ ना कुछ तो है। फिलहाल हमने यहाँ पर हथौड़ा उठा लिया है। एंड यार इसमें एक चीज़ बहुत गड़बड़ है, हम स्ट्रेंजर को स्कैरी टीचर की तरफ फेंक के नहीं मार सकते चीज़ें। फिलहाल हमने यहाँ से वायर कटर ले लिया है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड में। एंड अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधे उस कबाड़ खाने रूम की तरफ, ठीक है? एक मिनट, फिलहाल अंकल किधर को है? अंकल ऊपर साइड को आया, ओके। बट अभी हम एक काम करते हैं, कबाड़ खाने रूम पर जाने से पहले हम ज़रा जाके क्लॉथ उठा लें, आई थिंक उठा सकते हैं हम। ये यार एक तो ट्रैप, एक तो मैंने अनलिमिटेड एनर्जी पैक इसमें नहीं खरीद रखा ना, इस वाले गेम में वो रॉबर में खरीद रखा है मैंने, और इस करी टीचर में खरीद रखा है, और इसमें नहीं है, तो इसमें सोच समझ के यूज़ करनी पड़ेगी। फिलहाल हमने यहाँ पर रेड क्लॉथ उठा लिया है बड़े ईजीली। ये कौन सी दीवार में घुस रहा है भाई, तो निकल जा सके। एंड अभी हमको क्या करना है, ये देख रहे हो ये सांड? जी हाँ, इसी के साथ हमें गड़बड़ करना है, पहले तो हमें वायर काट देना है। ओके हमने वायर काट दिया, अब हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी से हम बोले के आते हैं जो हमने गंसी उठाई थी लास्ट टाइम, यस उसको लेके आते हैं जल्दी से गाइस। एंड मैं अंकल को रेटिंग दे देता हूँ अपनी, 10 में से इसको मिलेंगे 9। नहीं सच में अच्छा लगा यार, क्या दिक्कत, 100 स्कैरी लग रहा है, स्कैरी नहीं एक्चुअली फनी ज़्यादा लग रहा है। मैंने तो 10 में से 9 दिए हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अंकल को कितने अंक दिए हैं, ठीक है? एंड जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि ये पता करने के लिए कि आप लोग वीडियो एंड तक देखते हो कि नहीं। लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था कि आप जादूगर लिखना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने लिखा, दैट्स मीन आपने पूरी 17-18 मिनट की जितनी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में लिखना ट्यूबलाइट, ठीक है? ट्यूबलाइट लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने एंड तक वीडियो देख ली, ठीक है? तो फिलहाल हमने वो काट दिया है जो सांड था नीचे से वो नकली वाला, अभी हम इसको ये क्लॉथ दिखा देते हैं। ओके ये है हमारा प्लेयर एलेक्स का भाई, फिलहाल इसने सांड को क्लॉथ दिखा के उसको गुस्सा आ गया, अरे भाई गेट तोड़ते हुए निकल आया सांड भाई, मेरे को ही ना मार दे लात। ओके तो फिलहाल हमने सांड को निकाल दिया है, एंड अभी हमें ये जो रेड क्लॉथ है ना, इसको हमें इस वाले सांड को लगा देना है। तो चलो जल्दी से ये लगाया यहाँ पे, एंड अब हम जल्दी से यहाँ चलते हैं भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने टेढ़े टेढ़े ही पूरा मिशन कम्प्लीट करके रख दिया। ओके चलो फिलहाल अब हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट, रन बिफोर द नेवर कम्स। ओके हम यहाँ पे खड़े होकर वेट करेंगे स्ट्रेंजर के आने का, एंड सांड यहाँ पे लगातार भाग रहा है, जैसे ही ये उस रेड क्लॉक को देखेगा भाई साहब ये आग बबूला हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, और अंकल को लगेगा क्योंकि वो एक नकली सांड है तो वो उस पर बैठ के शाण पट्टी करने की कोशिश करेगा, बट आपको हमको पता है क्या हो जाएगा। अब भाई थम जा यार सांडू, सांडू थम जा, क्या हो गया, भागे जा रहा है यार, भागे जा रहा है, इससे पता चलता है ये कितने दिनों से उस जगह पे कैद था, मैंने इसको छुड़ा के अच्छा किया एक्चुअली। चलो अब भाई अंकल कितना टाइम लेगा तू आने का है, अरे यार आ रहा है गाइस, आने ही वाला है हमारा स्कैरी स्ट्रेंजर, एंड अभी हम देखेंगे स्ट्रेंजर के साथ कि उसके साथ क्या होता है। एंड गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, डिसलाइक करना तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि जो जो इस वीडियो को देखे उसने आपको शुरू करें। एंड ये सांड यहाँ पे फुसकार मारते हुए अंदर भागते हुए आ रहा है, एंड इसने देखा कि ये नकली सांड यहाँ क्या कर रहा है, फेंक हट, ओके इसे फेंक दिया है और ये खुद जाके इधर बैठ गया भाई, इसको ये करने की जरूरत थी, और ये हमारा, और ये सांड बिल बिला गया और इसने अंकल को उठा लिया। ओ भाई अब तो भाई तो गया अंकल, स्कैरी टीचर भी लपेटे में आ गई भाई, सारी स्कैरी टीचर में, तेरे को तो परेशान नहीं करना चाहता था, तेरे लिए तेरा ही गेम काफ़ी है, बट चलो कोई नहीं, दोनों एक साथ परेशान हो गए, बहुत ही बढ़िया गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, आपको कैसा लगा ये लेवल मुझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड जी ज़्यादा ही लगता है लखड़ा लखड़ा आ रही है, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।